नमस्ते, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे काजल के बारे में। हमारी संस्कृति में काजल बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, पर क्यों आजकल डॉक्टर बच्चों को काजल लगाने से मना करते हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में डॉक्टर ने हमें बेबी को काजल लगाने के लिए मना किया था। मना क्यों किया था, चलिए जानते हैं। डॉक्टर ने हमें 3 लॉजिकल बात बताई थी जिसके वजह से हमें बेबी को काजल कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ। नंबर 1, डॉक्टर ने हमें कहा था कि अगर आप बेबी को काजल लगाते हो तो आप काजल किस तरह से अप्लाई करोगे, या तो अपनी उंगलियों का यूज करोगे या फिर कोई ऑब्जेक्ट यूज करोगे। अगर आप उंगली का यूज करते हो, आप कितने भी अच्छे से अगर अपना हाथ वॉश कर लेते हो, फिर भी आपके नेल्स में, आपके उंगलियों में ऐसे जर्म्स होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, बट वो आईज के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आप ऐसी उंगली को कैसे उनकी आंखों तक लेके जाओगे जिसमें ऐसे अनसीन जर्म्स हैं जो उनकी आंखों को इन्फेक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, उसमें इन्फेक्शन ला सकता है। तो आप उंगली का यूज तो बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरी बात, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो और बेबी तो शांत नहीं रहेगा, हिलेगा डुलेगा, कभी हाथ पैर मार देगा, वो ऑब्जेक्ट आप पकड़ के लगा रहे हो आराम से और वो हिल गया तो उनके आंखों में चोट लग सकती है, तो आप ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं कर सकते। और तीसरा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, कि काजल के अंदर लेड होता है। लेड अगर हवा में भी हो तो वो इंसान के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो आप ऐसे काजल को जिसमें कि लेड है, अपने छोटे से बच्चे को जो इतना सेंसिटिव है, आप उनकी आंखों में कैसे अप्लाई कर सकते हो? लेड से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इंसान को, और बच्चा तो इतना सॉफ्ट, इतना नाजुक सा है, इतना छोटा सा है, तो आप उसको लेड कैसे लगा सकते हो, काजल कैसे लगा सकते हो? तो उन्होंने हमें मना किया था। लेड से बच्चों का मानसिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनके शरीर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, छोटे बच्चों को बहुत सारे नुकसान होते हैं इस केमिकल से, तो आप ये यूज मत कीजिए। डॉक्टर ने हमसे कहा कि मान लीजिए आपने अगर काजल अप्लाई कर भी दिया, आपने सारे प्रोसेस प्रॉपर किया, काजल उंगलियों से लगा दिया या किसी ऑब्जेक्ट से लगा भी दिया, और वो घर से बना हुआ काजल है, तो भी आप उस काजल को साफ कैसे करेंगे? वो प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो आप काजल निकालने के लिए कपड़ा का यूज़ करेंगे, मतलब आप उस कपड़े से उसकी आंखों को, जो कि इतना सॉफ्ट है, उसको रगड़ रगड़ के क्लीन करेंगे, या फिर आप जिस बेबी सोप का या बेबी लिक्विड, जो भी आप उनके बेबी वॉश का यूज़ कर रहे हो बेबी को नहाने के लिए, आप उसका यूज़ करोगे तो वो उनकी आंखों में जा सकता है, इससे उनकी आंखें डैमेज हो सकती है। तो ऑब्वियसली आप ये चीज़ें यूज़ करोगे। तो काजल लगाकर जहां आप अपने बच्चे को, उनकी आंखों को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पर आप उनके लिए उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ा सकते हो काजल को लगाकर। तो आप काजल का यूज़ मत कीजिए। अभी आप अपना ही एक्सपीरियंस ले लीजिए ना, जब भी हम काजल यूज़ करते हैं तो हमें जरा भी अगर काजल के वजह से आंखों में इरिटेट होता है तो हम क्या करते हैं, काजल चेंज कर देते हैं, दूसरा ब्रांड का काजल यूज़ करने लगते हैं। अगर वो भी सूट नहीं कर रहा है, आंखों में पानी लेके आ रहा है, इरिटेट हो रहा है या थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, तो हम वो भी काजल चेंज कर देते हैं, कोई और ब्रांड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है, हम बोल सकते हैं कि हमें इस काजल से प्रॉब्लम हो रही है। बट जो छोटा सा बच्चा है वो तो अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर नहीं कर सकता कि मम्मा मुझे इरिटेट हो रहा है, मम्मा मुझे ब्लर दिखाई दे रहा है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी बेबी शेयर नहीं कर पा रहा है कि उसे काजल से क्या दिक्कतें हो रही है, या फिर हमने उन्हें रगड़ के वहाँ पे पोंछ दिया है तो उसके वजह से जल रहा है उसका स्किन, तो ये बातें तो शेयर नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। तो आप इससे बेटर है कि आप उनको काजल मत लगाइए। मेरा बेबी अद्विक 15 मंथ का है और मैंने उसे कभी भी काजल नहीं लगाया हुआ है, अगर आँखों में तो स्पेशली कभी नहीं लगाया। अगर मुझे कभी उन्हें काजल लगाना भी होता है तो मैं एक बहुत ही छोटा सा डॉट यहाँ लगा देती हूँ, या फिर उनके कान के पीछे एकदम छोटा सा डॉट लगाती हूँ, और वो भी मैं प्रॉपर क्लीन करती हूँ, कभी भी काजल रिपीटेड वहाँ पर ना हो, नहीं तो स्किन को इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं, अपनी बेबी का केयर करने के लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और आप मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।